हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू ड्रोन टॉक डॉक्टर वंस अगेन, होप एवरीथिंग इज फाइन। तो आज का वीडियो है M30S से अगेन रिलेटेड एंड स्पेशली एंड्रॉयड 10 से। काफ़ी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर आपका एंड्रॉयड 10 का हमने अपडेट कर लिया, उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है। अब जिसको मैंने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में पहले बताया था, जिसने नहीं देखा है तो वो मैंने कार्ड्स पे डाल दिया वीडियो, तो देख लें। बाकी आज जो मैं प्रॉब्लम लेने वाला हूँ वो रिलेशन टू है चार्जिंग पोर्ट। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि वो कहते हैं हम चार्जिंग पे लगाते हैं फ़ोन, चार्ज ही नहीं होता, 40 पे अड़ा पड़ा, कई कह रहे हैं 50 पे अड़ा पड़ा, कोई कह रहा है हमारा 20 पे अड़ जाता है, कई कहता है चार्ज ही नहीं हो रहा। तो क्या चीज़ है ये एंड्रॉयड 10 की अपडेट के बाद की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसका विद सॉल्यूशन ये वीडियो है, जो कि मैंने भी फिलहाल इस फ़ोन में तो वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट मैंने ये अपने आईफोन में एक्सपीरियंस किया था ये प्रॉब्लम चार्जिंग पोर्ट वाला। तो उसका सोल्यूशन क्या है वो मैं बताने वाला हूँ और किस हद तक वो आपके साथ अभी ठीक हो सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर आप नए चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लें, यहीं पर 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की 2 सेकंड की क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, और आपका प्यार मिल रहा है और दिन ब दिन हमारे सब्सक्राइबर की फैमिली बढ़ती जा रही है। तो प्लीज़, और आपका कोई भी क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू M30S एंड्रॉयड 10 किसी बारे में आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपडेट में नीचे कमेंट्स में लिखें कि कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं आ रहा है। तो जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स सी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि देखिए, जब आपने सपोज एंड्रॉयड अपडेट 10 किया है और आपके उसको उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो काफ़ी लोग इसको रिलेट कर रहे हैं एंड्रॉयड 10 की अपडेट की वजह से ये चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कौन सी हम कह रहे हैं कि आप चार्जिंग पे फ़ोन लगाते हैं और वो चार्ज नहीं होता, 30% पे अड़ जाता है, 40 पे अड़ जाता है, बीच बीच में फ्लक्चुएशन होती है, कभी लग जाता है कभी नहीं लग जाता। तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो एंड्रॉयड 10 की अपडेट से नहीं है, ये मतलब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है हार्डवेयर की। अब हार्डवेयर की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी मेथड है जिससे आपको ये सॉल्यूशन मतलब एप्लीकेबल है हर एक फ़ोन पे, यही नहीं कि सिर्फ M30S पे, कोई भी फ़ोन है और ये प्रॉब्लम किसी भी फ़ोन में आ सकती है। तो सबसे पहले मैं उसका कारण बताता हूँ। कारण ये होता है कि जब हम नया फ़ोन लेते हैं तब तो ये पोर्ट साफ होता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कुछ दिनों आपने चलाया, तो यूजुअली हम फ़ोन जेब में रखते हैं, कभी कहीं रख दिया, मोस्टली जेब में रहता है। जेब में हमारे पास कई बार डस्ट पार्टिकल्स या कपड़े के रुएं होते हैं ना, वो होते हैं, तो वो इसमें धीरे धीरे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इस पोर्ट में मेरे हिसाब से जैसे मेकर्स जैसे आज मेरे हिसाब से मेरा एक सजेशन है, अगर कोई भी फ़ोन वाला देख रहा है, बड़ी छोटी सी मॉडिफिकेशन है एक यहाँ पर ना, कई जगह में हमने कैमराज में देखे हुए हैं, जो कैमराज आते हैं ना उनमें रबड़ के पोर्ट लगे होते हैं, मतलब जो पोर्ट नहीं यूज़ हो रहा तो वो बंद हो जाता है, रबड़ लग जाती है एक। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो कैमरा पोर्ट और ये जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं इनको कवर किया जाए तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी कुछ हद, काफ़ी हद तक। मतलब मैन्युफैक्चरर्स ही हैं जैसे सैमसंग एप्पल, अपने फ़ोन में हल्का सा यहाँ रबड़ का लगा दें वो क्लोज़र, जब चार्जिंग करनी है वो खुले, और तब ये प्रॉब्लम हट सकती है। तो होता क्या है, ये होता है ओपन मोस्टली, और इसको हम रखते हैं जेब में, या जो लेडीज़ या गर्ल्स हैं वो डालती हैं पर्स में, तो हर जगह डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो चांस रहता है इसको भरना, धीरे धीरे भरता है, एकदम नहीं भरता, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अब एंड्रॉयड 10 अपडेट ऑलमोस्ट 7-8 मेरे ख्याल साल ही लगा लीजिए उसके बाद आया है, तो सबका फ़ोन मेरे ख्याल 8-9 साल पुराना हो चुका है, जेब में डालते हुए हो चुका है, तो आप सब उसको लगा रहे हैं इल्ज़ाम एंड्रॉयड 10 पे। मैं मानता हूँ एंड्रॉयड 10 के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, आपके कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं बताऊँगा। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये एंड्रॉयड 10 के कारण नहीं है, ये किसी भी फ़ोन में हो सकती है, चाहे आप एंड्रॉयड 10 चला रहे हैं चाहे iOS चला रहे हैं। तो कारण मैंने आपको बता दिया, और उसका सोल्यूशन पहले से अगर मैन्युफैक्चरर कंपनियां यहाँ पोर्ट में कवर लगा लें तो वो हो सकता है प्रिवेंट। अब अगर हो गया है तो क्या किया जाए, तो हो गया है तो चिंता की बात नहीं है। अगर आपका इसमें पिन्स होती हैं आपके, सबसे पहले एक और चीज़ आपको बताऊं, इसके ऊपर जाने से पहले अपना पहले चार्जर वायर को टेस्ट कर लें। वो कैसे करेंगे, चार्जर को किसी और फ़ोन में लगा के देखें, अगर
चार्जिंग परफेक्ट हो रही है तो आपके चार्जिंग वायर में प्रॉब्लम है, तो वो चांसेस बता रहा हूँ। अगर वायर की प्रॉब्लम है तो ऐसे चेक कर लें, चार्जर का प्रॉब्लम है तो किसी और पावर वाला जैसे मॉड्यूल होता है उसमें डाल के देख लें। तो पहले मतलब अपना चार्जर को टेस्ट कर लें, अगर चार्जर चल रहा है बढ़िया, मतलब दूसरे फ़ोन में चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, तब 100% आपकी इसमें फंसी हुई है मिट्टी या कुछ डस्ट पार्टिकल्स। तो उसको कैसे सही करना है, बहुत सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूँ। इससे आपका फ़ोन भी बचेगा और आपको इस प्रॉब्लम को लेके वहाँ भी नहीं जाना पड़ेगा। धक्के, मेरे को पता है काफ़ी धक्के पड़ते हैं जब आप सर्विस स्टेशन पे जाते हैं, स्पेशली जब आप सैमसंग या सोनी या एप्पल में जाते हैं तो वहाँ लाइनों में लगना पड़ता है। आई हेट दैट। उसमें वो कहते हैं अपना डाटा ये कर लो वो कर लो, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो बहुत इजी मेथड बताता हूँ करना कैसे है, तो चलिए मैं इसको आपको फ़ोन के ऊपर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया पोर्ट। अब करना क्या है, आपको जो सिम इंजेक्टर टूल मिलता है सबसे पहले इसको बंद कर लें, स्विच ऑफ कर लें अपने फ़ोन को। ये काम जो है आप फोन ऑन में कतई मत करें, स्विच ऑफ कर लें। तो फिर आपने निकालना है सिम इजेक्टर टूल, ये रहा, और इसको इस पे हल्का हल्का आपने घुमाना है हल्के हाथ से, तो इससे आपका जो है जो भी डस्ट इसके अंदर अगर फंसी हुई है वो आपने निकाल लेनी है। एक आप बात आपको बताऊं, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, बड़े हल्के हाथ से आप निकालेंगे तो आपको दिखेगा। अभी मैंने तो ऑलमोस्ट मैं ये प्रैक्टिस करता रहता हूँ, हर 1-2 महीने बाद ऐसे कर लें तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। ये करने के बाद दैट्स इट, हल्का सा फूंक मारे, दैट्स इट, आपका फ़ोन है रेडी टू चार्ज। अब आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा टूल सिम इजेक्टर टूल आपको इस प्रॉब्लम से बिल्कुल छुटकारा दिला सकता है। तो जिस जिस भाई को ये प्रॉब्लम है उसके बाद आप लगाएं पोर्ट पे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जद्दोजहद करने के बाद भी अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, फिर क्लियर कट इंडिकेशन यही है कि आपका पोर्ट ख़राब हो चुका है, दिस वन। और अगर ये ख़राब है तो फिर सर्विस स्टेशन आपको जाना पड़ेगा, बट ये चांसेस बहुत कम है। 99% आपकी जो प्रॉब्लम है चार्जिंग वाली की बीच में रुक जाता है वो इस प्रैक्टिस से 100% ठीक हो जाएगी। और जहाँ तक बात है कि चार्जिंग स्लो हो रही है, उसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया था कि फ़ोन को बंद करके चार्ज करें, कैशे जो मेमोरी होती है मैंने सेटअप करने के लिए बताया था वो करें, फिर आपका फ़ोन की चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो लिखें। थैंक यू वेरी मच, होप आपको पसंद आएगा वीडियो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड ज़रूर कमेंट करें कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको आ रही। थैंक यू।